देखा आपने कैसे एक आवाज पर इतने सारे बंदर इकट्ठा हो गए और बिना एक डर एक एक करके कैसे इस शख्स से खाने की चीज लेने लगे। इंसान और बेजुबानों के बीच इस प्रेम की ये तस्वीरें सामने आई हैं नर्मदापुरम जिले के पिपरिया से, जहां संजय सिंह नाम के एक समाज सेवी को जानवरों से इतना प्रेम है, या यूं कहें कि बेजुबानों को भी संजय से इतना प्रेम है कि उनकी एक आवाज में ही ये सारे बंदर इकट्ठा होकर उनके पास आ जाते हैं। ये बंदर संजय के पास कभी आम का स्वाद, कभी फल्ली दाने, तो कभी केले लेने चले आते हैं। संजय सिंह करीब 5 सालों से बेजुबान जानवरों को भोजन करा रहे हैं। संजय सिंह जब आओ आओ की आवाज लगाते हैं तो कई सारे बंदर उनके आसपास डेरा जमा लेते हैं। कभी कभी तो गाय भी उनके पास आ जाती है। जीव है, बोल नहीं पाते, भूखे रहते हैं, लोगों को छीनते हैं। जब कोई इंसान जब भूखा रहता तो लोगों को छीनता, ये तो जानवर है बेचारे, इनको कोई देता नहीं है, ये बहुत भूखे रहते हैं। तो जो जब मेरे बोला रहे पाँच साल हो गए मेरे को, मैं इनको आवाज़ देता हूँ तो मेरी आवाज़ से ये लोग आ जाते हैं। आवाज़ सुन के ही आ जाते हैं? हाँ, सिर्फ मेरी आवाज़ सुन के ही आ जाते हैं जहाँ भी होंगे। तो कोरोना के समय से ही इनको खिला रहे हैं क्या, उसके पहले से? कोरोना के और पहले से खिला रहा हूँ मैं, 5 साल हो गए। कौन कौन से जानवर आते हैं आपके बुलाने? मेरे बुलाने से 60-70 बंदर, 4-5 गैया आ जाती हैं। खिलाने से क्या लगता है, कैसा लगता है आप? मेरे को बहुत अच्छा लगता है, अगर मैं एक दिन नहीं खिलाऊं तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने कुछ किया नहीं। ऐसा नहीं है कि संजय सिंह सिर्फ जानवरों की ही सेवा करते हैं, कई बार इन्हें ठंड के मौसम में गरीबों को कंबल बांटते देखा गया है। संजय सिंह का मानना है कि जब इंसान को भूख प्यास लगती है तो वो मांग सकता है, कह सकता है, लेकिन जानवर ना मांग सकते हैं ना कह सकते हैं, इसलिए संजय खुद ही बेजुबानों की मदद करते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए पिपरिया से सूरज राजपूत की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।